उन्होंने फिर इसकी मंदिर का निर्माण किया महाराजा रणजीत सिंह जी ने। और फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। आज हम आपको काठगढ़ हिमाचल प्रदेश में स्थित एक शिव मंदिर में लेकर आए हैं। मान्यता है कि यहाँ स्वयं को शिवलिंग दो भाग में बटा हुआ है, बड़ा भाग शिव और छोटा भाग जो है वो पार्वती माता का है। गर्मियों में इसमें काफ़ी स्पेस रहती है इन दोनों शिवलिंग में, लेकिन शिवरात्रि आते आते इन दोनों में दरार भर जाती है और ये एक हो जाते हैं। यह प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्वयंभू प्रकट प्राचीन शिव मंदिर में आने के लिए हमें कुछ सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है, जिसके के बाईं ओर जोड़ा घर है। काठगढ़ जलंधर पठानकोट रोड पर मीरथल पंजाब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर और जलंधर लगभग 95 किलोमीटर दूर है। शिवालय के मुख द्वार के सामने ही नंदी जी विराजित हैं। शिवरात्रि और सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी संख्या को नियंत्रित करने के लिए यहां आयरन ग्रिल लगाई गई है। इसमें बने रास्ते से आप मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हमारे पास आज पंडित जी बैठे हैं जिनका नाम है श्री अश्विनी शर्मा। ये यहाँ के पुजारी जी हैं, तो हम इनसे इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्ता के बारे में पूछते हैं। जय श्री शंकर। जय भोलेनाथ। हाँ जी पंडित जी बताएंगे। जय ऐसा है जी, जो स्वयं वो प्रकट शिवलिंग है, अपने आप जमीन से प्रकट है मूर्ति जुगोपरांत। जब बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी का बचपन के तौर पर आपस में विवाद हुआ था, उस समय जहां पर स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए और इस स्तंभ में से आवाज आया कि जो इसके मूल भाग का और उत्तर के भाग का जो पता लगाएगा वो इस सबसे बड़ा कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी आकाशमंडल पर चले गए, विष्णु जी पताल में चले गए, मगर इसका कोई भी अंत नहीं मिला। अंत में आकर के जहीं पर ब्रह्मा विष्णु जी आए और इस स्तंभ में से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हम त्रिदेवों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पन्नता करना, भगवान विष्णु का काम है पालना करना और भगवान शंकर का काम है संहार करना। वो तो युगों की बात होगी। अब ये कलयुग आया, जब तो सबसे पहले राजाओं का राजा था। तो बोलते हैं कि जो हमारे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी थे, वो इस रास्ते से कहीं आगे जा रहे थे। जैसे जहाँ पर पहुँचे, राजे लोग पहले घोड़ों पर चलते थे, तो इनका घोड़ा जहाँ पर रुक गया और उन्होंने बोला कि चलो आज का दिन यहीं विश्राम करते हैं। तो उन राजे लोग थे तो थोड़ा बैठने का स्थान चाहिए था अच्छे सा। तो बोलते हैं कि ये जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं, वट वृक्ष का और शिव पिंडी के पास ये यहीं एक डल्ला था, बाकी ऐसे ही उबड़ खबड़ था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने जहाँ पर साफ सफाई की और झाड़ियों के बीच में जो भोले शंकर जी दिखाई दिए, मगर जो वो सैनिक लोग थे उनको क्या पता कि ये भोले शंकर। उन्होंने बोला कि ये पत्थरी है, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। तो बोले काफ़ी इसको हटाने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह से हिलने नहीं। फिर राजा जी ने क्या किया
अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसकी खुदवाई करो और इसको बीच से निकाल दो, जमीन से निकाल दो ऐसे। तो बोलते हैं फिर भी उन्होंने कम से कम 50 फुट नीचे जमीन में चले गए और ये दो पाठ में ऐसे ही जाता। फिर भोले शंकर ने सोचा जे मानने वाले नहीं हैं तो इनको कुछ चमत्कार वगैरह दिखाना चाहिए। तो बोलते हैं कि फिर भगवान शंकर ने क्या किया कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हम जिन्हें काटे जा कीड़े मकोड़े बोल लीजिए वो निकलते जमीन से, जिस भी आदमी को वो डंग लगाते थे वो ऐसे बेहोश हो जाए घायल हो जाए। तो राजा को ज़्यादा शक हुआ, उन्होंने क्या किया फिर अपने राजपुरोहित पंडित जी को जहाँ पर बुलवाया। तो पंडित जी ने आकर के देखा, उन्होंने बोला राजा आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप ऐसा करिए जहाँ पर साधु महात्मा और पंडित लोग बुलवाइए, ये तो भोले शंकर और माता पार्वती जी का स्तंभ है, अगर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र अगर खुल जाएगा तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा सब कुछ। उन्होंने क्या किया फिर अपने सभी राज पंडितों को पुरोहितों को साधु महात्माओं को बुलवाया और जहाँ पर पूजा अर्चना करवाई और जे उन्होंने फिर इसके मंदिर का निर्माण किया महाराजा अरिजीत सिंह जी ने। और महाराजा सिकंदर भी जहाँ से वापस चले गए वो भी सारे विश्व पर अपनी विजय पाना चाहते थे, मगर जैसे जहाँ पर पहुँचे जे पास में ब्यास नदी है, ब्यास नदी जे पार नहीं कर पाए, उनका ऐसे मन हो गया कि यहीं से वापस चले जाते हैं अपने देश। और मेन महानता ये है जी कि गर्मियों में ये मूर्ति अलग होती है और सर्दी में इकट्ठी होती है, शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का आपस में मिलन होता है शिव और पार्वती जी, ऐसा है। जहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अमृतसर हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और बाहर से भी काफ़ी राज्यों से लोग जो है जहाँ पर आते हैं, और सावन के पावन अवसर पर भोले शंकर के दर्शनों के लिए लाखों के हिसाब से लोग जो है जहाँ पर दर्शन करने आते हैं। बाकी मेन यानी कि शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाई जाती है उसमें भी 2-4 लाख आदमी जो है माथा टेकता है। बाकी जहाँ पर प्रबंधकारिणी सभा बनी हुई कमेटी बनी हुई है उन्होंने भी काफ़ी जहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट किया है, काफ़ी कुछ किया है यात्रियों को रहने के लिए और खाने पीने के व्यवस्था भी की है। धन्यवाद। जय जय शंकर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। शुक्रिया। तो आइए भक्तों, अब हम मंदिर के अंदर स्वयंभू प्रकट प्राचीन शिवलिंग के दर्शन के लिए चलें। जय शंकर, जय भोलेनाथ। ये स्वयंभू भगवान शंकर और माता पार्वती जी का स्तंभ है, ये जो बीच में जो दीवार दराज दिखाई दे रही है, जो इसके बीच में जो दरार है ये गर्मियों में दूर हो जाती है और सर्दियों में पास में आ जाती है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए नक्षत्रों के हिसाब से मूर्ति का आपस में मिलन होता है, स्वयंभू आप शंभु भोले शंकर और माता पार्वती जुगों प्रांत है। भोले शंकर भगवान की जय। जय भोले। मंदिर में लंगर की भी व्यवस्था है, लंगर हॉल सीढ़ियां उतरकर बाईं ओर है। मंदिर के सामने एक वटवृक्ष है और इसके बिल्कुल पास ही एक और शिवलिंग स्थापित है। इस स्थान पर हवन आदि का आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर में कामधेनु गाय की बड़ी ही प्यारी प्रतिमा है। मंदिर की साइड पे एक चिल्ड्रन पार्क है जहाँ पर बच्चों के लिए राइड्स, एम्यूजमेंट थिंग्स और खाने पीने के फूड स्टॉल्स भी हैं।
पार्क में ऐसी दो मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। शिवलिंग का जलाभिषेक करते राम लक्ष्मण की सुंदर मूर्तियां भी यहां सुशोभित हैं। कहते हैं मंदिर की चार दीवारी और कुछ चबूतरों का निर्माण सिकंदर ने करवाया था, उसकी और उसके सिपाहियों की मूर्तियां भी यहां हैं। पार्क का रखरखाव काफी अच्छी तरह से किया गया है। एक छोटा सा तालाब इसकी शोभा को और भी बढ़ाता है। बच्चों को यहाँ पर ट्रेन, ट्रैम्पोलिन और जानवरों की मूर्तियाँ बहुत भाती हैं। शंकर महादेव। मंदिर परिसर में एक कैंटीन भी उपलब्ध है और इसके साथ ही सफिशिएंट पार्किंग स्पेस भी है। यह श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क पार्किंग है। इसके अतिरिक्त पास ही में पेड पार्किंग भी है, जहां आप 20 रुपए में कार पार्क कर सकते हैं। पार्किंग के पास यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। पार्किंग की दीवार में शिव कथा के साथ संबंधित कई मूर्तियां बनी हुई हैं। और इस पार्किंग से जब हम नीचे जाते हैं पार्क की तरफ, तो हमें सामने शनि देव का मंदिर नजर आता है। शनि मंदिर के बाहर हनुमान जी की एक मनोरम प्रतिमा सुशोभित है। शनि मंदिर के अंदर सामने बीच में शनि देव और आसपास 12 राशियों के सिंबल्स पिलर्स पर लगाए गए हैं। स्वयंभू प्राचीन शिव मंदिर के साथ ही एक राधेश्याम मंदिर है और उसके साथ ही एक राम दरबार का मंदिर भी है। राधा कृष्ण मंदिर और राम दरबार के बाहर यमराज जी का चित्र और धर्मराज जी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं के सुंदर चित्र बने हुए हैं। इस मंदिर के अंदर बाईं ओर राधा कृष्ण जी, बीच में राम दरबार और दाईं ओर मां दुर्गा की सुंदर मूर्तियां सुशोभित हैं।
मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति और भगवत कृपा का अनुभव होता है। राम दरबार के सामने हनुमान जी और शिव परिवार विराजित हैं। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती के इस स्वरूप के दर्शन कर हम धन्य हो गए। इनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता।